सलीसा फौजी, आप देख रहे हैं डेली न्यूज चैनल। डेली न्यूज चैनल मौजूद है नगर पालिका मोड़ पोखराया। हमारे वीडियो के जरिए से आप देख रहे होंगे कि मैं एक बुजुर्ग महिला के पास बैठा हूं, जो कि बहुत ही बेचारी गरीब है। वीडियो बनाने से पहले मैंने इनसे कुछ जानकारी ली है तो ये बोल रहे हैं कि हमारे 3 बच्चे हैं लेकिन हमारा कोई मदद नहीं करता है। इनके हस्बैंड भी स्वर्गवास हो गया है, ये बेचारी अकेली हैं। इनका एक लड़का, 2 लड़कियां हैं। इन्हीं से मैं कुछ बात करता हूँ। चाची, आपका नाम क्या है? उर्मिला। उर्मिला, आप कहाँ रहती हैं? नारायण गेस्ट हाउस में। किराए में रहती हैं कि आप अपने घर में रहती हैं? किराए में रहती हैं। 900 रुपये? अच्छा अच्छा आपके हस्बैंड हैं आपके घर वाले? नहीं यार, सब हम हैं। कब खत्म हुए हैं? आपके बच्चे कितने हैं? 3 हैं। लड़के कितने हैं? लड़कियां कितनी हैं? एक लड़का, 2 लड़कियां। बच्चों की शादी हो गई? अच्छा, लड़के की शादी हो गई। आपका घर है कि किराए के घर पे रहती हैं? किराए के घर पे रहते हो? अच्छा अच्छा आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? 90 साल। अच्छा, मैं अपने वीडियो के जरिए से पोखराया के समाज सेवी या जहाँ तक मेरा ये वीडियो लोग देख रहे हों, अपने सभी दर्शकों से गुजारिश करता हूँ कि ये 90 साल की बुजुर्ग महिला है, ये बहुत ही परेशान है। इनकी जितनी मदद की जा सके, सभी से मेरी दर्शकों से अपील है, सभी समाज सेवियों से मेरी अपील है कि ये बुजुर्ग महिला नारायण गेस्ट हाउस के पास मंडी मोड़ पोखराया कानपुर के हाथ में रहती हैं। इनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां, 1 लड़का। एक लड़की की शादी हो गई है, एक लड़का, एक लड़की अभी शादी नहीं हुए। इनके कोई भी बच्चे इनकी मदद नहीं करते हैं। इनके हस्बैंड भी खत्म हो गए हैं, स्वर्गवास हो गया है। किसी तरीके से हमारे वीडियो से जो भी आपको समझ में आ रहा हो, इस वीडियो के जरिए से आप जितनी इसकी मदद कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की मैं अपील करता हूँ। डेली न्यूज़ चैनल के लिए नगर पालिका पोखराया से मैं कैमरामैन शिवा के साथ रशीद अली साहब फौजी। जय हिंद। ठीक है चाची, मैंने आपकी